हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग, संतोष वर्मा व्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, ये बात मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए, आज एक नए थॉट के साथ में हम आगे बढ़ेंगे कि मंजिले ख्वाब बनकर ना रह जाएं, बिस्तरों से इतना भी प्यार ना किया करो कि हमारी जो मंजिल है हमसे बिल्कुल दूर चली जाए और बिस्तर हमें इतना प्यारा लगने लगे कि हम उससे दूरी बना ही ना पाएँ। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ में हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और हमारा मंजिल जो है वो हम उसकी तरफ को निकल चुके हैं घर से। तो मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ, मतलब हर तरह की जो भी हमारी जर्नी होती है वो मैं सारी शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ में। और ये आप लोग देख लीजिए कि क्या विचित्र दुनिया है। दुनिया इतनी रंगीन है, इतनी रंगीन है कि बस देखने के लिए आंखें होनी चाहिए। बहुत ही खूबसूरत दुनिया है। और मैं कहाँ के लिए जा रही हूँ ये भी मैं आप लोगों के साथ में ज़रूर 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 शेयर करूँगी। और पता है आप लोगों को, जब हमारा दिल और दिमाग में गुफ्तगू चल रही हो, काफ़ी जोरों की लड़ाई चल रही हो, तो हमें किसकी सुननी चाहिए, हमें अपने दिल की सुननी चाहिए। दिल की सुनेंगे तो दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा। और मेरा भी वही हाल था। मैं काफ़ी दिनों से एक चीज़ लाने की सोच रही थी, क्योंकि ज़्यादातर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे मौसम चेंज होता जाता है वैसे वैसे मेरी तकलीफ़ बढ़ती चली जाती है। मैं एक सर्वाइकल पेशेंट हूँ और मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरी हड्डियों में एक एक में दर्द रहता है। तो अभी फ़िलहाल तो मेरी थेरेपी वगैरह चल रही है, जैसे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ कि हाँ मैं इस समय पे इस तरह का काम करवा रही हूँ और इस चीज़ को यूज़ कर रही हूँ। मैं सारा ही डिटेल में आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। लेकिन आज मैं जा रही हूँ कुछ अपने मन की चीज़ ख़रीदने के लिए, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। और मैं काफ़ी दिनों से आपके सामने ही बोल भी रही थी कि वो चीज़ मेरी टूट गई है। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं क्या की कहाँ की बात कर रही हूँ, क्या लेने की बात कर रही हूँ। क्योंकि ना बहुत दिन हो गए मुझे परेशानी हुई झेलते झेलते, तो इसी वजह से मैं मार्केट गई थी। और मैं, शाहरुख पापा हैं और उनके भी दोस्त वगैरह हैं, सभी लोग साथ गए हैं, तो सब अपना अपना मार्केट से सामान खरीदेंगे और मैं भी अपने जो मुझे चाहिएगा वो भी खरीदूंगी। तो फिलहाल हम आ गए हैं, ये जो होता है ना लाल किला, लाल किले के सामने हैं ये, और ये पंछी मार्केट है। तो यहाँ पे मैं आई थी और यहाँ पे मैं देख रही हूँ तोते। यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी के नहीं थे, दो तीन वैरायटी के ही तोते हैं, तो मैंने उनमें से ही एक पेयर पसंद किया है। और यहाँ पे बहुत महंगे तोते बताते हैं, बस बार्गेनिंग करने वाला होना चाहिए तो अपने रेट के हिसाब से ले लेगा, नहीं तो बस ये समझ लीजिए कि पैसे तो आसमान छूते हैं, इतना पैसा बताते हैं, जिसमें कि इतना होता नहीं है। पता नहीं क्यों फिर भी ये लोग इतना बोलते हैं ना, हद से ज़्यादा। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो पसंद आए ना तो एक लाइक ज़रूर किया कीजिए। देखिए, लाइक करने में कोई दूसरी मत किया कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर किया कीजिए। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए, मैं अपनी लाइफ की, जब से मैंने यूट्यूब शुरू किया है तब से लेके अब तक, मैं अपनी पूरी लाइफ की जर्नी आप लोगों के साथ में डेली की शेयर करती हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे ब्लॉग बनाने की भी कोशिश करती हूँ, जहाँ जाती हूँ वहाँ के ब्लॉग बनाती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ में जुड़िए, मुझे मोटिवेट कीजिए, मैं आपको नए नए ब्लॉग बना के दिखाती रहती हूँ। और ये पूरी जो है ना लाल किले की मार्केट, तो लाल किला तो पीछे रह गया, लेकिन ये पूरी रोड जो है ये लाल किले वाली है। और ये यहाँ पे ना सभी चीज़ें मिलती हैं, पंछी भी मिलते हैं और जिसको जो चाहिए वो सब मिल जाते हैं। देसी वैसे जो कबूतर होते हैं वो वाले भी, वाइट वाले जो कबूतर होते हैं वो भी मिलते हैं, खरगोश भी मिलते हैं, चूहे भी मिलते हैं और तरह तरह के भी जानवर मिलते हैं। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे मिलता है। जो लवर होंगे उनके प्लांट के, वो सॉरी प्लांट कह रही हूँ मैं तो अपने आप को, प्लांट लवर ही कहती हूँ लेकिन सॉरी इसके लिए,
जो भी जो हमारे जैसे जो भी पंछियों को पसंद करते हैं या बर्ड मार्केट है बर्ड को पसंद करते हैं तो वो यहाँ पे विजिट कर सकते हैं और बहुत ही सही रेट से मिल जाते हैं अगर आप लोग अच्छे मोल भाव कर सकते हैं तो। और उसके पीछे इसी मार्केट के पीछे है मीना बाजार, तो हमें मीना बाजार से कुछ लेना नहीं था, तो बस हम तो जो काम के लिए गए थे हम सभी लोगों ने अपने अपने मतलब की चीज़ खरीद ली थी और आते वक्त का मैंने वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि जिस रोड से गए हैं उसी रोड से आ भी रहे हैं तो उसका तो वीडियो फिर बनाने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और मैं लेने गई थी ट्राईपोड, तो मेरा ट्राईपोड ना काफ़ी दिनों से टूट गया है, मैं बहुत परेशान हो रही थी इसके बगैर। कभी मैं मतलब ये समझ लीजिए आप लोग कि चीनी के डिब्बे के ऊपर रख के वीडियो बना रही हूँ, तो कभी मैं पानी के डिब्बे के ऊपर रख के वीडियो बना रही थी, तो कुछ इस तरह से मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाने में लग रही थी और मेरा ट्राईपोड पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन मैंने ऑनलाइन सर्च किए थे तो इतने महंगे महंगे थे कि वो मैं नहीं ले सकती थी। तो ये सब जने दोस्त जो भी थे हमारे वर्मा जी के दोस्त वगैरह ये सभी लोग दिल्ली जा रहे थे अपना अपना सामान खरीदने के लिए, जिसको जो जो सामान की ज़रूरत थी। तो फिर मैंने कहा मुझे भी ले चलिए, तो ये लोग फिर मुझे भी ले गए, मैं भी अपने मतलब का सामान खरीद लाऊंगी। और मैं बस यही लेने के लिए गई थी ट्राईपोड, लेकिन मुझे लौटते में वो भी मिल गए जो तोते का पेड़ था, तो मैं वो भी लेकर आ गई। और मुझे इन सब चीज़ों से बहुत प्यार है, मेरे पास में पहले भी तोते काफ़ी सालों से रहे हैं, लेकिन हुआ क्या था जब बीच में मैं एकदम बीमार पड़ी थी तो ये लोग ना क्या होता है कि हमारे घर में कोई भी नेगेटिविटी आने वाली होती है तो सबसे पहले ये अपने ऊपर झेल जाते हैं। और यही हुआ भी था, मैं एकदम बीमार पड़ने वाली थी बहुत तेज़ी से, तो सबसे पहले मेरा तोते का एक जोड़ा जो था वो उसमें से एक पंछी मर गया था। और बस उस दिन वो ख़त्म हुआ था। और समझ लीजिए शाम को मेरी अचानक घर बैठे इतनी तबीयत ख़राब हुई थी कि हद से ज़्यादा, तो इसीलिए फिर मैंने जो वो वाला एक पैर में से एक पीस रह गया था ना, फिर मैंने वो वाला उड़वा दिया था इनसे। तो हम क्या करते हैं, इन्हें लाते हैं अच्छे से पालते हैं और घर में खुला छोड़ते हैं तो जिससे ये आराम से उड़ सकते हैं। अभी तो पंखा चल रहा है अभी नहीं उड़ाएंगे, लेकिन जब सर्दियाँ आ जाती हैं ना तब हम गेट बंद करके इन्हें घर में खुला छोड़ते हैं ताकि ये अच्छे से उड़ सकते हैं। हम इन्हें पिंजरे में बांध के कभी भी नहीं रखते हैं, अभी तो फिलहाल कुछ दिन तो बांध के रखूंगी क्योंकि अभी ये नए नए आए हैं, लेकिन धीरे धीरे करके इनको खुला छोड़ने की आदत डाल देती हूँ ताकि अगर कभी इनको मौका मिले तो ये उड़ भी सकते हैं। तो इसीलिए बस और कुछ नहीं, और इनको ना दाना पानी देना, इनसे बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक घर में होता है ना थोड़ी सी चें 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 करने वाला तो अच्छा भी लगता है। तो मेरे घर में तो काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं तोते और अब तक मैंने 10 ये जोड़े खरीद भी लिए हैं, लेकिन मुझे जैसा चाहिए वैसा नहीं अभी तक पेड़ मिल रहा है। मुझे ऐसा वाला तोता चाहिए जैसे बात करते हैं हम लोग आपस में, ऐसा वाला पेड़ नहीं मिल पा रहा। मैंने वहाँ पे भी काफ़ी जगह पता करा लेकिन वो वाला नहीं मिल पा रहा था, तो चलिए जो मिला वो ठीक है। और हमें तो अपने घर की शोभा ही बढ़ाने के लिए लाना था, कौन सा और कुछ इनसे काम कराना है, तो बस मैं इन्हें यहाँ पे ले आई थी और दिल खुश हो जाता है बस, और कुछ नहीं है। घर पे लेकर आई, बच्चे खुश हो गए थे बस, और कुछ नहीं, इनकी खुशी से ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ पे धूप इतनी तेज़ थी ना, कल मुझे पहली बार इतनी एहसास हुआ कि हाँ काफ़ी तेज़, अभी भी अक्टूबर के महीने में भी काफ़ी तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप थी। और वहाँ पे ठंडा गरम पानी पीते पीते ना गला बिल्कुल ख़राब हो गया है, बहुत तेज़ दुखन भी हो रही है गले में। तो सबसे पहले आके मैंने गुनगुना पानी करके पिया, पानी पीने के बाद में अब मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और कहीं से भी हम लोग आते हैं ना तो चलते चलते, क्योंकि देखिए जो हमारी पार्किंग है, पार्किंग काफ़ी दूर होती है और फिर उसके बाद में पैदल चलना होता है। जो भी लोग दिल्ली चांदनी चौक गए होंगे ना या उसके आसपास के एरिया या सदर मार्केट, वो लोग खुद ही जानते होंगे कि मतलब ये है कि पैदल इतना चलना होता है ना कि बेहद पैदल चलना होता है वहाँ पे। या तो आप रिक्शा ले लीजिए, जो जानकारी है आपको तो रिक्शे में बैठ के उतनी जगह तक चले जाइए, नहीं तो अगर नए हो तो ये समझ लीजिए आपको इतना लूटेंगे कि आप दोबारा जाने का बिल्कुल मन नहीं बनाओगे।
वो हाल कर देते हैं वहाँ के लोग। तो इसीलिए जिसको जानकारी होती है या जिनके साथ आप जा रहे हैं उनको जानकारी है तो सबसे बढ़िया है। और मेरे साथ तो मेरे हस्बैंड गए थे तो फिर मुझे उस बात की तो टेंशन थी नहीं। और आने के बाद में वही अपने फिर घर के काम में लग गई। आने के बाद में सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, 5 मिनट बस मैंने रेस्ट किया होगा और तुरंत ही मैंने गर्म पानी करके सबसे पहले पिया। गला इतना चटक रहा था बहुत बुरी तरह से और थक्के में एकदम चूर हो चुकी थी। फिर अपने लिए अब चाय बना रही हूँ, साथ के साथ ही ना ये बर्तन भी लगा के रख दूँगी ताकि अब शाम का समय हो गया है। अभी मैं आई हूँ तो 7:30 का समय हो गया, लेकिन अब धीरे धीरे घर के खाने पीने की भी तैयारी होनी शुरू हो जाएगी। और मिट्ठू को भी ला के मैंने पिंजरे में डाल दिया है और पिंजरे में डालने के बाद में उनका भी दाना पानी डाल दिया है, पानी वगैरह रख दिया, क्योंकि ये भी लोग हमारे साथ साथ सफ़र करके आ रहे थे, हमें प्यास लग रही थी तो इन्हें भी लग रही होगी, तो इसीलिए इनके लिए भी हमने दाने की व्यवस्था भी कर दी थी और पानी भी रख दिया है। और मैंने अपने लिए भी चाय बना ली है और शानू के लिए भी बना ली है। तो कड़क मसालेदार मैंने चाय बनाई है और चाय में ना अगर काली मिर्च और लौंग डाल के बनाओ तो काफ़ी आराम मिलता है गले को। तो चलिए फ्रेंड, अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो जरा भी पसंद आता हो तो चैनल को लाइक ज़रूर किया कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और वीडियो को पसंद करते हैं तो देखिए पूरा देखा कीजिए, बस मैं तो इतना ही कह सकती हूँ आप लोगों से और ज़्यादा तो कहूँगी नहीं क्योंकि आप लोग सब जानते ही हैं। आजकल तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है कि अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आएगा तो मेरे बिना ही कहे आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करोगे। और यहाँ पे मैं चाय पीने के लिए आ चुकी हूँ टेबल पे लेके, और मिट्ठू भी बैठे हुए हैं और अभी ये ना डर रहे हैं हमसे, और होना भी चाहिए क्योंकि देखिए ये हमारे लिए अनजान है और हम इनके लिए अनजान हैं। तो अभी ये काफ़ी डर रहे हैं तो मैं इनके पास ज़्यादा नहीं बैठ रही हूँ, लेकिन हाँ इनको थोड़ा थोड़ा अपने में घुलना मिलना सिखाऊँगी, थोड़ा थोड़ा इनसे बैठ के बात किया करूँगी तो ये मुझे समझेंगे और मेरे पास आएंगे बैठेंगे। और ये फिर खाना पीना हमने खा लिया था और मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं था क्योंकि मैं बड़ी खुश थी इन मिठू को लेके, और मेरा ट्राइपॉड भी आ गया इस बात को लेके। तो शानू बना रहा है मेरी वीडियो और मैं बस ऐसे ही चल रही हूँ, फिर रही हूँ, और उसने मेरी ये वीडियो कैप्चर कर ली थी तो